जिला बिलासपुर के शाहतलाई से 3 हफ्ते से लापता हुए सोसाइटी के इंस्पेक्टर के शव को स्वारघाट थाना पुलिस ने स्वारघाट के समीप प्राचीन काली माता मंदिर त्यून के जंगल में बरामद कर लिया है। पुलिस थाना स्वारघाट को काली माता मंदिर त्यून के पुजारी रमेश ठाकुर ने शुक्रवार शाम को सूचना दी थी। सूचना के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए स्वारघाट थाना की पुलिस ने जंगल से शव को सड़ी गली अवस्था में बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन से स्वारघाट थाना की पुलिस को स्वारघाट के आसपास की लोकेशन मिल रही थी। हालांकि पुलिस तब से लापता व्यक्ति धर्मपाल की तलाश में जुटी थी। लापता व्यक्ति धर्मपाल तहसील झंडूता जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के रूप में उसकी पहचान उसके परिजनों ने घटनास्थल पर आकर की। घटनास्थल पर जांच के लिए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर अशोक कुमार व गुमहारमी के डीएसपी राजेंद्र जसवाल व स्वारघाट थाना व तलाई थाना की पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने की। साथ ही उन्होंने उस जगह से भी साक्ष्य जुटाए जहां पर उसका शव बरामद हुआ है। बरामद हुए शव को पोस्टमार्टम जांच की रिपोर्ट के लिए आईजीएमसी शिमला भेज दिया गया है। डेड बॉडी यहां पे स्वारघाट के नजदीक जंगल में पड़ी है, जिसको देखने आए थे तो सभी ने, जो घर वाले हैं वो भी आए हैं, उन्होंने देखा है कि वही है। तो इसके बाद इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। पोस्टमार्टम के बाद जो भी इसमें उसके बाद इस जांच को और बढ़ाएंगे। और वैसे भी हमारे पास केस रजिस्टर्ड है, उसमें प्रॉपर इसमें इन्वेस्टिगेशन चली हुई है। तो घर वाले हैं, उन्होंने भी पहचाना कि ये वही है जो इंस्पेक्टर वहाँ से कलवर से। तो बाकी जांच इसकी जारी है। इसको हो गया लगभग 22-23 दिन, 22-23 दिनों से लापता है वहाँ से, घर से। इसकी मिसिंग रिपोर्ट भी झंडूता थाने में पड़ी हुई है। इसके बाद केस रजिस्टर्ड हुआ इसमें तलाई में। घटनास्थल पर शव की शिनाख्त करने पहुंचे परिजनों की तरफ से मृतक के मामा करमचंद व उनके साथ आए परिजनों ने एसपी बिलासपुर अशोक कुमार की मौजूदगी में धर्मपाल की ड्यूटी के दौरान रहस्यमय ढंग से लापता हुआ था। मृतक धर्मपाल के मामा करमचंद ने एसपी बिलासपुर को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही हत्या के मामले से पर्दा नहीं उठाया गया तो वे आंदोलन करने पर विवश होंगे। जब हमें 24 दिन से इसके लापता की सूचना मिली, पुलिस ने हमें सूचना दी कि स्वारघाट में पहाड़ी के बीच में डेड बॉडी पड़ी हुई है, और जब हमने इस चीज को देखा तो हमें महसूस हुआ कि यह धर्मपाल की ही बॉडी है। हमें प्रशासन से ये एक अर्ज करते हैं कि जिसके छोटे छोटे बच्चे छूट गए, नौजवान बीवी छूट गई, उसका डिपार्टमेंट ऑन ड्यूटी से गायब होना एक अचंभे की बात है। सरकार से निवेदन है कि इसका गहराई से तहकीकात किया जाए। जब तक इन्वेस्टिगेशन से हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, हम आंदोलन के ऊपर उतारू होंगे।